हेलो गाइस, यह है मेरा डिकैथलॉन का ST 10x2। इसको मुझे ख़रीदा हुआ एक महीना हो चुका है। फिलहाल मैंने इसके ऊपर बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर दिया है, एक्सेसरीज लगाया है, तो उसके बारे में आज ये वीडियो है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मैंने चेंजेस किया है। शायद आप सबको पता ही है कि डिकैथलॉन का जो एक्सेसरीज है उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम बाहर से ख़रीदना ही अच्छा होता है इसके लिए। तो इसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है वो देखने से पहले मैंने बता देता हूँ कि यह साइकिल का प्राइस है 5999। सिर्फ 6000 में ये बहुत ही अच्छा साइकिल मिल जाता है हम सबको। 6000 में ये साइकिल खरीद के मुझे 2000 की एक्स्ट्रा एक्सेसरीज यहाँ पे लगाना पड़ा। टोटल मेरा इसमें कॉस्ट आया 8000 का। तो मेरा पहला चेंजेस है ये सीट। डिकैथलॉन का जो साइकिल का सीट था वो सीट बहुत ही ख़राब था, मतलब बहुत ही छोटा था, यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो मैंने ये चेंजेस कर लिया। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये साइकिल का सीट। ये तो बहुत अच्छा सीट है, ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। ये इसमें बैठ के चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है कुशन इसका, और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये साइकिल का सीट। ये साइकिल की सीट का कॉस्ट है मुझे 715 रुपीज़। और आप सबको बताइए कि डिकैथलॉन के साथ कोई भी साइकिल का मॉड गार्ड नहीं मिलता है। ये मैंने डिकैथलॉन से ही मंगाया था, ये बिटवीन का मॉड गार्ड है। इसका प्राइस था 600 समथिंग। उसके बाद ये मैंने बाहर से ये वाटर होल्डर लगाया है, इसका कॉस्ट है 100। साइकिल के बैक साइड में मैंने ये इंडिकेटर लाइट लगा लिया, इसका कॉस्ट आया मुझे 424 रुपीज़। इस साइकिल के साथ अच्छा हैंडल ग्रिप नहीं मिलता है, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया लिया। ये इसका प्राइस है 150 रुपीज़। इसमें अच्छा सा हैंडल ग्रिप मिल जाता है चलाने के लिए। और इसके साथ मैंने एक मोबाइल होल्डर भी ख़रीद लिया, ये मोबाइल होल्डर 125 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। ये टोटली मेटल का मोबाइल होल्डर है, ये बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल मोबाइल होल्डर है। उसके साथ साथ ये साइकिल बहुत ही स्मूथ चलता है, तो इसका कोई भी साउंड नहीं निकलता है, तो इसके लिए मुझे एक हॉर्न भी ख़रीदना पड़ा, ये हरन। और इसके साथ ये लाइट भी था। ये दोनों को मिला के इसका कॉस्ट पड़ गया 350 रुपीज़। तो मेरा साइकिल में यही एसेसरीज लगा हुआ है फ़िलहाल के लिए। इन सब को सर के भी मुझे और एक चीज़ ख़रीदना पड़ा, साइकिल का जो स्टैंड है, ये स्टैंड ये मैंने बाहर से लगाया है। ये आप लोगों का अच्छा है कि आप लोग बाहर से खरीद लें, क्योंकि डिकैथलॉन से आप ये ख़रीदने जाएंगे तो आप लोगों को 600 इसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये बाहर से 100 रुपीज़ में लगा लिया है। अगर आप लोगों में से किसी को भी इन प्रोडक्टों का बाय लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना।